उस मायावी भैंस के रूप में जब भगवान को पांडव लोग पहचान गए, भगवान शिव जी उस भैंसे के रूप में ही जमीन में धंस गए। उनके पीठ भाग को पांडवों ने वहां पे छू लिया, वहीं पे उनको आकाशवाणी भी कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे पांच स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। केदारनाथ में भगवान का पीठ भाग का लिंग स्थापित हुआ, दूसरे मद महेश्वर में भगवान का नाभि भाग का लिंग स्थापित हुआ, या तुंगराज जी में भगवान का हृदय और दो भुजा रूप का लिंग है, रुद्रनाथ में भगवान का मुखमंडल है, और कल्पेश्वर में भगवान के जटा के स्वरूप का लिंग है। इस तरह से पांच केदार यहाँ उत्तराखंड में केदार बाबा के पांच लिंग, जो मुख भगवान के नीचे निकल गए थे, चार मुख पशुपतिनाथ नेपाल में है बाबा के। केदार का एक लिंग पशुपतिनाथ बाबा भी है। इस तरह से पूरे केदार दर्शन होते हैं। और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है, जो लोग इतनी जगह नहीं जा पाते हैं, केदार और तुंगनाथ चले जाएं तो उनको पंच केदार फल प्राप्ति हो जाते हैं। इस तरह से पांडवों को ये दर्शन हुए, और बद्री विशाल में भगवान विष्णु के दर्शन के बाद वहीं से हिमालय स्वर्गारोहणी से पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद आठवीं सदी में आज से 1250 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है केरल में कालड़ी ग्राम में। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को हम स्वयं शिव का अवतार ही मानते हैं। वो शिव के ही रूप में अवतरित हुए, और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हमारे इन सारे मंदिरों का खोज किया और मंदिर निर्माण कराए और पूजाएं चलाई। ये मंदिर निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा हुए, और भारत की संस्कृति को उन्होंने जीवित रखने के लिए भारत में चार धाम बनाए। भारत के पहले धाम है बद्री विशाल, बद्री धाम, दूसरे हैं द्वारिका, तीसरे हैं जगन्नाथपुरी, और चौथे हैं रामेश्वरम। ये हमारे चारों दिशाओं में आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये चार धाम बनाए, और इन चार धामों में अपने शिष्यों को वहाँ की जो है पूजा व्यवस्था, यहाँ के भगवान सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वेद वेदांगों को पढ़ाने के लिए, संस्कृति और पूजा कर्म कांड को आगे बढ़ाने के लिए ये चार धामों में अपने शिष्यों को शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। जो हमारा धर्म चला आ रहा है उसी का नाम सनातन धर्म है। बोलो सत्य सनातन धर्म के जय। केदार और मध्यमेश्वर की जो 12 महीने पूजा होती है उठी मठ में होती है, भगवान तुंगनाथ की जो पूजा होती है मक्कू मठ में होती है, भगवान रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर में होती है, और कल्पेश्वर 12 महीने खुला रहते हैं, और बद्री विशाल की पूजा जो है दो जगह होती है, पांडुकेश्वर और जोशी मठ में। जैसे पांच केदार हैं वैसे पांच बद्री भी हैं यहाँ पे। पहले बद्री विशाल और दूसरे हैं बृहद बद्री, जोशी मठ से पहले पड़ते हैं अणिमठ बोलते हैं वहाँ पे, और तीसरे हैं योग बद्री पांडुकेश्वर में, ध्यान बद्री है कल्पेश्वर उर्गम में, और भविष्य बद्री होने वाले बद्री विशाल। बोला कलयुग में नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे भगवान बद्री विशाल के, वहाँ के दर्शन बंद हो जाएंगे, भविष्य में जो दर्शन होंगे भविष्य बद्री में होंगे। तो भविष्य बद्री, ये पांच बद्री और पांच केदार यहाँ पर उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड भगवान बद्री विशाल ही इस भारत भूमि की स्वर्ग भूमि है। इस तरह से पुराण में ऐसा वर्णन आया है, और भगवान तुंगनाथ जी से जो एक बार आता है, दो बार तो आता है, न जाने वो कितनी बार आता है। यहाँ से चारों धाम का हिमालय सामने दिखता है, इधर यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदार बाबा है, इधर बद्री विशाल है, इधर रुद्रनाथ है, इस पहाड़ी के पीछे मध्यमेश्वर है। ये सारे धामों के हिमालय दर्शन यहाँ से होते,
दोष निवारण के लिए तपस्या की। इस तरह से ये तुंगनाथ जी का महात्म्य मैंने आपको वर्णन किया। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। तुंगनाथ जी में बार बार आए, भक्ति भावना से आए, अपने बच्चों को पूजा पाठ के संस्कार सिखाएं। मंदिर में जाना हो तो कैसी पोशाक पहन के जाना है, आदि वस्त्र पहन के नहीं जाना है, फटे हुए कपड़े पहन के नहीं जाना है। आजकल इसको देखो फटी जींस में आ रहा है, बच्चियां भी आती है, बड़ा वो खराब लगता है। यहाँ पे जो लोग भावना भक्ति भाव में रहते हैं उससे ये बड़ा धार्मिक स्थान पे इसकी भावनाओं को, भक्तों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुँचती है। तुम जो मस्ती वाले तो मस्ती में रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के रूप में आते हैं उनके आत्मग्लानी होती है। तो इस तरह से अपने बच्चों को ये संस्कार से बचाएं। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए माँ बापों का परम कर्तव्य है बच्चों को। कई लड़कियां आती हैं स्मोकिंग करती हैं दुकानों पे बैठ कर, ये तीर्थ की मर्यादा के विपरीत है, तो ऐसा न करें, तीर्थ की मर्यादा को बनाए रखें। बोलो तुंगनाथ बाबा की जय। हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। अब 5 मिनट के बाद आपके पास आरती आएगी, भोग प्रसाद आएगा। आप अपनी जगह बैठे रहे, आरती ले, भोग प्रसाद ले। जिनका पूजन हो गया है वो लोग जा सकते हैं, जिनकी पूजा नहीं हुई है आधा घंटा मंदिर बंद रहेगा, उसके बाद आपके पूजन दर्शन होंगे। अब जल नहीं चढ़ेगा, केवल हर हर। तुमेव माता बोलिए, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। कर चरण कीर्तं वा कायजं कर्मजं वा सर्वण नयन जं वा मानिषं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।